जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो जाता है जी। नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, परास्त हो चुके हैं, फॉर्म भर भर कर दुनिया के हाथ जोड़ जोड़ कर, एक बार महादेव के हाथ जोड़ लो, एक बार उससे कह लो। हमें कहा कि जब धन कम हो, संपदा कम हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, बहुत कष्ट, बहुत तकलीफ की जिंदगी निकल रही है, 2 रुपए भी अगर खाने के लिए नहीं है, तो एक बात प्रयास करना। यदि व्यापार व्यवसाय नहीं चलता है, जिस कार्य को कर रहे हो 2 दिन चलता है, 5 दिन बैठना पड़ता है, फिर नहीं चलता, फिर तो कितना सुंदर महापुराण में लिखा है, नारियों की जितनी भी बीमारियां होती हैं स्त्रियों की, चाहे रजो धर्म से जुड़ी हो, चाहे अन्य चीजों से जुड़ी हो, माता प्रसूति का स्मरण कर कर, एक वो गुलर का फूल आता है, घंटी वाला फूल, जिसमें एक डंडी भाने की देवी जी को चढ़ता है, गुलर का फूल को माता प्रसूति का स्मरण कर कर जगदम्बा के मंदिर में जाकर देवी के चरण को छुआ कर, अगर उस पुष्प को माताएं खा लेती है, तो उनका जो भी बीमारी होती है रजो धर्म से जुड़ी हुई, वो सारी बीमारियां उनकी समाप्त होती है। कई कई बच्चियों को रजो धर्म से जुड़ी हुई बहुत तकलीफ होती है, तो वो माता प्रसूति का स्मरण कर उस फूल को देवी के चरण में छुआ कर उसको खा लो चला जाओ। घर में ही प्रदोष के दिन घी का दिया लगाकर, या मंदिर में शंकर के घी का दिया लगाकर, उसमें 2 बाती, कितनी बाती, 2 बाती रख, चाहे तुम लंबी रख लो चाहे गोल रख लो, पर रखना 2 ही बाती। घी का दिया लगाकर दुख दहन स्त्रोत का पाठ करो, दारिद्र दुख दहन स्त्रोत का पाठ बाजार में किताब मिल जाएगी, नहीं मिले तो मोबाइल पर सर्च कर लेना, उसमें निकाल लेना, उसका पाठ करो, कम से कम 5 प्रदोष तो करो। और बाबा विश्वास रखना शिव महापुराण पर, अगर पहली प्रदोष पर ही आपने अगर घी का दिया लगाकर, आसन लगाकर शंकर के सम्मुख में प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिव की पूजन कर दारिद्र दुख दहन स्त्रोत का पाठ चालू कर दिया, तो विश्वास रखना कि 5 प्रदोष तक तो बाबा खुद करुणा कर देगा, आपको मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। बेटों के जॉब ना लगे, कई माताएं आके कहती मेरे बेटे की सर्विस लग जाए, गुरु जी बस इतनी कृपा कर दो, तो हमने को उसको कहो शंकर जी का स्मरण कराता, शंकर जी के चरणों से जो पानी नीचे गिरता है, वो जो पानी जलाधारी से नीचे आता है, उसकी 2 या 7 बूंद उस गोटे के अंदर डाल दीजिए, और पीपल के वृक्ष के नीचे उसको इतना खट्टा खोद कर दबा दे और मिट्टी डाल दें, आकर शंकर भगवान पर दूध चढ़ा दीजिए और जल समर्पित कर दीजिए। जिस व्यापार को आप कर रहे हो, वो कितनी भी घाटे में जा रहा हो, वो वापस उन्नति की ओर बढ़ना चालू हो जाता है। कितना भी घाटा लगाओ, कर्जे में भी अगर आप डूब रहे हो, तो उन्नति की ओर बढ़ना चालू हो जाता है। कोई फैक्ट्री, कोई दुकान, कोई व्यापार, कोई व्यवसाय, या कोई ऐसी जगह जहां आपको फल ही नहीं रही है, आप बड़े दुखी हो गए यहां आए जब से, या इस मकान में रह रहे हो तब से, तो एक कटोरे में उस जो ईख होता है, गन्ना होता है, उसको छील कर उसके 11 टुकड़े, 11 बेलपत्र, 11 शमीपत्र घर के किसी भी स्थान पर रख दीजिए, और उसको रखने के बाद सोमवार के दिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे इतना सा खड्डा खोद कर उसको दाब दीजिए, उसमें मिट्टी डाल दो और थोड़ा सा जल उस पर समर्पित कर आ जाओ, 3 दिन बाद जाकर उसी स्थान की मिट्टी को लाकर घर में डाल दीजिए, जो स्थान पर आपको लगता है कि ये भूमि अच्छी नहीं है, यहाँ पर सफलता नहीं मिल रही, यहाँ तकलीफें ज्यादा है, रोग ज्यादा है, बीमारी ज्यादा है, वो भूमि सफलता देना प्रारंभ कर देती है, कार्य की उन्नति कराना प्रारंभ कर देती है। पर जितने भी उपाय हैं, ये त्रिपुरा सुंदरी के ही लोग कहते हैं, कहाँ का मंत्र लेकर आ गए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम कहते हैं जप कर तो देखो, जिस दिन जपना प्रारंभ करोगे, चलते फिरते मोबाइल पर भी अगर बोल रहे हो ना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक दूसरे से बात करते करते भी एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल गया, तो कितना सुख देता है वो देखिए। विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण में लिखा है, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण बाजार से लेकर आओ और उसकी विद्येश्वर संहिता में पढ़ो, उसमें लिखा है
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाले मुख का अगर कोई दर्शन भी कर लेता है तो उसको अश्विक यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। इसी के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, घर घर महादेव।